हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8। क्लास 8 का हमने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर 5 क्या है हमारे पास? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि कैसे हम उसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ग्राफ आएंगे, बार ग्राफ आएगा, टैली मार्क्स आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फॉर विच ऑफ द दिस वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आपको चार पार्ट दिए हुए हैं। चार पार्ट्स में क्या दिया हुआ? कुछ डाटा दिया हुआ है और ये बोल रखा है कि इस डाटा से क्या आप एक हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं या इस डाटा को आप हिस्टोग्राम पे शो नहीं कर सकते। देखते हैं फर्स्ट क्या है। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैनस बैग। एक पोस्टमैन है, उसके बैग में नंबर ऑफ लेटर्स, उसमें लेटर्स हैं फॉर डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज के इन ए पोस्टमैन बैग, एक पोस्टमैन के बैग में। अब इसको तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि जो लेटर्स हैं वो अलग अलग घर से होंगे और क्या पता किस एरिया के जो लेटर्स हैं वो किस एरिया के हैं और किसके नहीं हैं, क्योंकि हमेशा तो एक एरिया का हो नहीं सकता हमारे पास है, तो इसीलिए वो चेंज होते रहेंगे। इसलिए हम उनको क्या है, एक हिस्टोग्राम पे शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसका एक कंप्लीटली हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड है द हाइट ऑफ कंपिटेटर्स इन एन एथलीट मीट। हाइट ऑफ कंपिटेटर, जो कंपिटेटर हैं, जो कंपटीशन में भाग ले रखा है जिन बच्चों ने, उनकी हाइट्स इन एन एथलेटिक मीट, एक एथलेटिक मीट में उनकी हाइट को हम हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? हमने ये ले लिया 4 से लेके 4.2 तक, 4.2 से लेके 4.4 तक के बच्चे ले लिए इसमें, 4.4 से 4.8 ऐसे ले सकते हैं हम इसको, तो हम इसको एक हिस्टोग्राम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज ने जो कैसेट्स आपकी प्रोड्यूस की हैं, नंबर ऑफ ए कैसेट, तो इसको हम इंटरवल में तो बना ही नहीं सकते कि कैसे इंटरवल बनेगा कि किस कंपनी ने और कितनी कैसेट की, तो उसके लिए हमारे पास इंटरवल तो है ही नहीं कि किसके लिए हम इंटरवल बनाएं, तो इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन गिवन रीजन फॉर ईच। आपको बोल रखा है नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर्स हैं बोर्डिंग ट्रेन्स, बोर्डिंग ट्रेन में फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें कितने पैसेंजर्स हैं एट ए स्टेशन, एक स्टेशन पे, तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इंटरवल बनाएंगे कि सुबह 7 से 8 बजे तक कितने पैसेंजर आए, फिर 8 से 9 के लिए पैसेंजर, फिर 9 से 10 के, 10 से 11, ऐसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसको हम किस पे ड्रॉ कर सकते हैं? हिस्टोग्राम में। अब हम इसका रीजन देखो क्या दे रखा है। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। जो हिस्टोग्राम वो क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। इफ डाटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल, और डाटा किस में होना चाहिए हमारे पास? क्लास इंटरवल में। जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पार्ट है उसके हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते। अगर क्लास इंटरवल नहीं बना सकते तो फिर हम क्या बोल देंगे, हिस्टोग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर केस बी एंड डी वी वुड यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा बिकॉज इन दिस केस डाटा कैन बी डिवाइडेड इन टू क्लास इंटरवल, क्योंकि बी और डी पार्ट में दोनों में हम क्या कर सकते हैं, उसको जो केसेस दिए हुए हैं उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इस पर हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एंड वुमेन को W से, बॉय को B से एंड गर्ल को G से। शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंट स्टोर, एक शॉपर्स है, हमें एक दे रखी है कोई शॉप है, डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ पे जो शॉपर्स जा रहे हैं उसमें कितने वुमेन गए हैं, कितने मैन गए, कितने बॉय गए, कितने गर्ल गए, उनके आपको डिटेल दी हुई है। W W W मीन्स W मीन्स वुमेन है, M मैन के लिए है, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए Z, ये आपको दे रखा है। और इससे हमें क्या बनाना है,
मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का यूज करके हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, और क्या बनाना है, एक बार ग्राफ। अब शोपर्स में हमारे पास क्या है, वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल, ये चारों के लिए लिखेंगे। फिर टेलीमार्क्स, टेलीमार्क से पहले हमें क्या लगाना होगा, नंबर ऑफ शॉपर्स। अब डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वोमेन, वोमेन देखते हैं काउंट करके कितनी है वोमेन। इधर से काउंट शुरू करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28। टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा इसमें से, 28 आएंगी हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 28। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैन। मैन के लिए हम काउंट करेंगे एम को। एम हमारे पास कितने टाइम्स दिया हुआ है, स्टार्टिंग से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल हमारे पास मैन कितने दे रखे हैं, 15। उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉय। बॉय के लिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास बॉय कितने दे रखे हैं, 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, गर्ल। गर्ल के लिए जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमारे पास गर्ल कितनी है, 12। अब हम उसको शो करेंगे टैली मार्क्स पे। कैसे शो करते हैं टैली मार्क्स पे, देखो अगर हमारे पास 1 को 1 से करेंगे, 2 को हम 1, 2, 3 के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद आता है 4, क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर आता है 5 के लिए, 1, 2, 3, 4, और पूरे को अगर हमने कट कर दिया तो वो क्या हो गया, 5। ये होती है हमारे पास 5 की रिप्रेजेंटेशन। अब 5 से आगे के लिए हम ऐसे ही करते चलेंगे। देखो 28 है तो करेंगे 1, 2, 3, 4, फिर कैंसिल, इसको कट कर दिया, 5 हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट है 15। 15 में हम क्या करेंगे, 5, 5 के पेयर हैं, 5, 5, 5, 15 हो गए हैं। 5 है तो ये हमारे पास 5 की रिप्रेजेंटेशन होगी। 12 है, 5, 5, 10 और 2, 12। तो इसको हमने शो कर दिया। ये हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी के लिए टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसको हम किस पे शो करेंगे, बार ग्राफ पे। बार ग्राफ पे हमने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 28, ज़्यादा से ज़्यादा 28 है, कम से कम 5 है, तो हम 5, 5 के ब्रेक में लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या है, वुमेन। वुमेन की कितनी है, 28। वुमेन, वुमेन के हमारे पास कितनी लिया हमने, 28। अब 28, 25 और 30 के बीच में आ जाएगा 28, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 28। नेक्स्ट है हमारे पास मैन। मैन के लिए कितना है, 15। तो ये हमारे पास 15 है, इधर से यहाँ आया और इसको हम 15 तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बी, बॉय। बॉय के लिए क्या है, 5। तो ये हमारे पास 5 है, फर्स्ट स्टेप 5 के लिए आ जाएगा। फिर हमारे पास 12 है गर्ल के लिए, तो 10 और 15 के बीच में 12 आएगा, तो इसलिए हमने ये बीच तक लिया, क्या आ जाएगा, 12 गर्ल के लिए। ये था हमारे पास बार ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर 30 वर्कर्स हैं और उनकी वीकली वेजेस दी हुई है, वीकली वेजेस दे रखा है, और आपको क्या करना है, यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का यूज़ करके मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज 800 to 810। आपको इंटरवल भी दे रखा है कि कैसे बनाना है आपको, और टेलीमार्क्स बताने हैं इंटरवल के, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। देखो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगी, दे रखिए 800 से 810, 810 से 820, सभी का डिफरेंस सेम रहेगा, 20 से 30, 30, 40, 50,
40 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100। अब आती है हमारे पास कि 800 और 810 के बीच में कौन आएगा। 800 तो इसी के अंदर आएगा बट 810 इसमें नहीं आएगा। मीन्स कहाँ तक लेंगे हम, 800 से 809 तक के जो नंबर्स हैं वो इसमें काउंट होंगे। अब देखते हैं क्या क्या है 800 से 809 के बीच। 1804 आ गया, 2 और 3। तो हमारे पास कितने आए, 3। इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। 3 को हम कैसे नोट करें, 1 2 3। 810 से 20, अब 10 इंक्लूड होगा बट 20 इंक्लूड नहीं होगा। अब 10 इसमें आएगा 1, उसके बाद आएगा आपके पास 2, है हमारे पास तो इसको 2 से नोट कर देंगे। 20 से 30 ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1, और 30 से 40 क्या आ जाएगा, 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 40 से 50 आपके पास 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इसके लिए 1 आएगा। 60 से 73 आएगा, 1 2 3। 70 से 81 और 80 से 91, 90 से 900 क्या आएगा, 4, 1 2 3 4। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का करते हैं तो क्या आएगा, 30। अब हमारे पास वर्कर भी कितने थे, 30, और ये भी कितना आ गया, 30। तो हमारे पास ठीक है डाटा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उसी से हमें क्या बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर देंगे हम। अब बोल रखा है विच ग्रुप, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, डाटा। डाटा बनाने के लिए जो हमारे पास दे रखा है 800 से 810, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसमें फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक है, 1 से लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 9। तो हमारे पास क्या कर लिया हमने इसको, 1 2 3 अप टू 10 तक ऐसे कर लिया हमने इसको। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 800 से 810 के लिए कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 800 से 810 के लिए कितना है, 3 दे रखा है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, 800 से 810 3। ये हमें क्या लगा दिया, ज़िगज़ैग। इसका मीनिंग क्या होता है कि 800 से पहले के जो भी हमारे पास नंबर आ गए वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब 800 से 810 के लिए कितना है, 3, तो इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 तक। 810 से 20 तक कितना है, अब 10 से ये 800 था आपके पास, ये कितना है 810, और 10 से ही कितना आएगा 20, ये हमारे पास कितना है 2। आपको ये चीज़ याद रखनी है, हिस्टोग्राम जब हम बनाएंगे तो हमेशा एक दूसरे से ऐसे का ऐसे अटैच चलेगा, अलग नहीं होगा, बट जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो सभी का अलग अलग शो करेंगे। ये जैसे ये बना दिया फिर बीच में स्पेस छोड़ देंगे, फिर ऐसे ऐसे बनाएंगे, बट हिस्टोग्राम को हम हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही अटैच रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका हिस्टोग्राम। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं। आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने हैं, 9, तो ये सबसे ज़्यादा वर्कर है किस में, 830 से 840 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा के लिए, 850 के लिए हमारे पास कौन सा है, 850 या उससे ज़्यादा, इट मीन्स इसमें इंक्लूड होगा, इसमें तो 850 इंक्लूड ही नहीं है, इसमें 850 आएगा, ये हमारे पास कितना है, 1, ये हमारे पास कितना है, 3, ये भी 1, ये भी 1, और ये कितना है, 3, 3 प्लस 1, 4, 5, 6, 6 प्लस 4, 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास वर्कर, 10। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850, 850 से कम के लिए कितने बचेंगे, इससे इधर के लिए देखते हैं हम, ये कितना है, 5, 9, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ तक इंक्लूड करेंगे हम, क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, तो कितने वर्कर आ जाएंगे हमारे पास, 20 वर्कर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स ऑफ हावर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉज
टीवी ड्यूरिंग हॉलीडे इज शो थ्रू द ग्राफ. आपको एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में आपको शो कर रखा है कि किस क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा कितना टाइम टीवी देखने में लगाते हैं अपना. ठीक है, अब देखो ये ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ गिवन है और ये दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट है इधर. इट मीन्स ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. और ये क्या है, टीवी वॉच्ड, कि कितने घंटे, एक घंटे के, एक से दो घंटे कितने देखते हैं, चार बच्चे. दो से तीन कितने देखते हैं, आठ. तीन से चार कितने, 22. चार से पाँच घंटे, 32. पाँच से छः घंटे, 8. और छः से सात घंटे, 6 बच्चे. तो अब इसमें क्वेश्चन के आंसर देंगे. फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच टीवी. सबसे ज़्यादा कितने टाइम, ऐसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, हाउ मैनी आवर्स, कितने आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने आवर्स को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चे. तो कितने आवर्स हैं, 32 है सबसे ज़्यादा. 32 वाले कितने हैं, 4 से 5 आवर्स. तो क्या आ जाएगा, 4 से 5 आवर्स. हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं. तो ये हमारे पास 3 से 4 आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स इससे पहले हमारे पास कितने हैं, 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 12. 12 प्लस 22, 34. कितना आ जाएगा, 34 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉच टीवी. 5 से ज़्यादा घंटे कितने बच्चे देखते हैं. अब यहाँ तक तो हमारे पास 5 यहाँ तक आ गया, बट 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता. इसमें आएगा 5, तो कितने आ जाएगा, 8 प्लस 6, 14. तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं. ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1. ओके, थैंक यू.